हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। पुलाव अक्सर चावल से बनाया जाता है, लेकिन आज हम एक ट्रेडिशनल ग्रेन से ये पुलाव बनाएंगे जो कि मिलेट है। इसका नाम है कोडो मिलेट। मिलेट्स कई तरह के होते हैं, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा और श्री धानिया मिलेट्स। श्री धानिया मिलेट्स में 5 मिलेट्स और आते हैं, जिनमें से कोडो मिलेट एक है। और श्री धानिया मिलेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो चलिए कोडो मिलेट पुलाव बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डालेंगे। ये केमिकल फ्री ऑयल है। ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को क्रैकल होने देंगे। गैस को मीडियम पे कर लेंगे। जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया। इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डालेंगे। हमने ऐसे इसके लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे, तकरीबन 1-1.5 मिनट तक। प्याज हल्का गुलाबी हो गया, गैस थोड़ी सिम पे कर देंगे। ये हमने आधा आधा कप कुछ सब्जियां ली हैं। आधा कप हमने ये फूल गोभी ली है, उसके छोटे छोटे फ्लोरेट्स काट लिए। मटर आधा कप, मशरूम ये भी आधा कप, गाजर आधा कप, फ्रांस बीन आधा कप। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, मैंने नहीं डाली। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डाल देंगे साथ में स्वाद अनुसार, या 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इन्हें हम सौते करेंगे। ढकना नहीं, इसे ऐसे ही पकाना है। सब्जियों को ज्यादा नहीं गलाना, क्रंची रखना है। 3 मिनट हो गए हैं सब्जियों को पकते। सब्जी थोड़ी जले नहीं, इसको इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। और इन्हें क्रंची रखना है, ज्यादा नहीं गलाना, क्योंकि मटर को भी थोड़ा टाइम लगता है गलने में, फ्रांस बीन को भी, इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। सब्जियों को पकते 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ये आधा कप पालक भी ऐड कर देंगे, आधा कप से थोड़ी ऊपर है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट और पकाएंगे। सब्जियों को पकते 6-7 मिनट हो चुके हैं। देखिए नरम भी हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक साइड में रख लेंगे। वैसे तो जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें हम जब चावल और पानी सब्जियों में ही डालते हैं, लेकिन ये हम मिलेट पुलाव बना रहे हैं तो मिलेट में पानी ज्यादा लगता है। अगर हम इन सब्जियों को भी उनमें पकाएंगे तो सब्जियां ज्यादा नरम हो जाएंगी, इसलिए हम उनको साइड में रखेंगे। जब हमारा वो मिलेट्स पक जाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। ये कोडो मिलेट है, ये ट्रेडिशनल ग्रेन है। ये देखो कितने बारीक होते हैं। ये तो हमने ये 1 कप लिए थे और इनको पानी में रात भर भिगो के रखा। इसे कम से कम 7 से 8 घंटे भिगो के रखना है और पानी इसमें 3.5 कप डालना है, वही कप का माप रखना है। तो इसको ये 7-8 घंटे जरूर भिगो के रखना है। ये हमने भिगो के रखे हुए हैं। तो चलिए ये ग्रेन्स बनाना शुरू करते हैं। गैस को फुल पे रखेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, यही पानी हम इसको पकाने में यूज करेंगे, इसको फेंकना नहीं है। ये देखिए इसका कलर भी कैसे आ गया, ये ओरिजिनल कलर है। अब उबाला आने देंगे।
सब्जियों में हमने 1 टीस्पून नमक डाला था, इसमें हम 1/2 टीस्पून और ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उबाला आने देंगे। गैस को हमने फुल पे रखा है। इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी डाल देंगे ताकि ये चिटके नहीं। ऑयल कम ही डालना है इसमें। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। मिलेट्स को पकते 15 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं कि पानी सूखा है कि नहीं। ये देखिए, इसका पानी पूरी तरह से सूख गया है। ऑयल डालने से ये देखिए कैसे अलग अलग दिख रहे हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस सारी सब्जियां जो हमने स्टर फ्राई की थी इसमें ऐड कर देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस हमने बंद की हुई है। अब इसे ढक के 2-3 मिनट ऐसे ही रखेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी हो वो भी सूख जाए। मिलेट को रखे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल पुलाव बना है। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, कोडो मिलेट वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही हेल्दी पुलाव है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।